हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। जो मूवी का बिजनेस है वो बहुत हद तक गवर्न करता है कि आसपास सेंटीमेंट्स क्या चल रहे हैं। और मैं ये बोल सकता हूं कि द कश्मीर फाइल्स को लेके जो सेंटीमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। और उसकी वजह से काफ़ी सारी और जो दो मूवीज़ तीन मूवीज़ अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर रिलीज हुई हैं उनका बिजनेस थोड़ा थोड़ा सा अब इम्पैक्ट होगा फॉर श्योर। और सैटरडे संडे के अंदर द कश्मीर फाइल्स को बहुत अच्छी ग्रोथ फॉर श्योर मिलेगी। इसके बारे में मैं अलग से आपके साथ वीडियो शेयर कर चुका हूं। और बस आपको क्रक्स में बता देता हूं कि जो हम ग्रोथ सोच रहे थे कि 4 करोड़ रुपये जो इसने 4.5 करोड़ रुपये फर्स्ट दिन कमाए थे उससे 2x होगी, 2x नहीं होगी ओवर द वीकेंड, उससे भी कहीं ज़्यादा होने वाली है। और मेरे वीडियो में बड़ी क्लियरली दिख रहा है कि बहुत सारे जो शोज हैं राधे श्याम के और दूसरी मूवीज के, इनफैक्ट द बैटमैन के भी इसको दे दिए गए हैं। तो वो तो एक बात रही और कल डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे, पर आज हम आपके साथ ये डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे कि बैटमैन का इंडिया में क्या हाल रहा है। देखो, इंडिया में जिस तरीके से पिकअप हुआ था इसने करीबन 33-34 करोड़ रुपीस का बिजनेस ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन अभी जो वीकेंड का जो बिजनेस था वो बहुत मेजर तरीके से इम्पैक्ट होगा क्योंकि इंडिया की पहली चॉइस वो मूवी बन गई है जिसके अंदर दमदार कंटेंट है और सब लोग उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, द कश्मीर फाइल्स को। तो इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है कि बैटमैन बहुत ज़्यादा इस वीकेंड पिकअप करेगी। इसके बाद दोबारा से पिक कर जाए तो अलग होगा, बट ये 50 करोड़ के ऊपर तो वैसे भी नहीं जाने वाली ये मूवी, वहाँ पर मेरे हिसाब से फुल स्टॉप लग जाएगा इसका। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों झुंड की, जो मेरे समझ के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। जहाँ हम ट्रांसफॉर्मेशन की रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो रिफॉर्म सोसाइटी के लोगों से भी आता है बहुत हद तक, और झुंड बहुत हद तक इस चीज़ को एड्रेस करती है। और आई ट्रूली बिलीव कि बहुत ही बेहतरीन ये मूवी बनी है, तो इस कंटेंट को भी आप लोगों का साथ चाहिए। बट टिकट काउंटर पे ये दिख नहीं रहा है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा ताकि वो टिकट काउंटर के ऊपर भी दिखे। जिस तरीके से मैंने इसको थिएटर्स में जाके देखा और इन्जॉय किया और ये मेरे को भी मूव करी, इसको ज़रूर देखिए आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा। और इसका जो ओवरऑल बिजनेस जो भी हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। जो इंडिया बिजनेस है, नेट बिजनेस है, वो करीबन 13 करोड़ रुपए है और ओवरऑल बिजनेस इसका 18 करोड़ के आसपास ही है, तो 22 करोड़ तो इसकी मेकिंग थी। तो बॉक्स ऑफिस के हिसाब से ये शायद थोड़ा सा बैक सीट ले गई है अब, और सारी उम्मीदें रिकवरी ऑफ द कॉस्ट विल बी ऑन OTT म्यूजिक राइट्स, TV राइट्स, सैटेलाइट राइट्स, ये सबसे उम्मीदें होंगी, तब जाके ये प्रॉफिटेबल वेंचर बनेगा, जो कि लग रहा है कि हो जाएगा क्योंकि इसका वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रांग है कि लोग इसको OTT वगैरह पे भी देखना चाहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि अभी रिसेंटली गंगूबाई आई थी, उसने 110 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी मूवीज भी बहुत बढ़िया बिजनेस कर रही हैं और भीमला नायक भी अल्टीमेटली 200 करोड़ क्रॉस कर लेगी, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और भी इसी तरीके की मूवीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि उससे हम इन्फ्लुएंस क्या निकालें, क्योंकि देखो ट्रेड एनालिस्ट से आपको ये तो पता चल जाता है कि इसका बिजनेस कितना हुआ, मेरे ख्याल से उसके जो इन्फ्लुएंस होती है ना कि ऐसा क्यों हुआ वो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जाने से पहले हम बहुत इंपॉर्टेंट मूवी जो का डिस्कशन जो करने वाले हैं वो है राधे श्याम का। देखो राधे श्याम का 100 करोड़ अब तय है, और मैं यहाँ पर राधे श्याम को इसलिए एंड में एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि राधे श्याम का पहले जो दिन, पहले 2 दिन का जो बिजनेस हो रहा है वो करीबन 89 करोड़ 90 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। कल तक ये 100 करोड़ आराम से पार कर जाएगी। तेलुगु सर्किट के अंदर इसका सबसे ज़्यादा, निज़ाम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है, जो मैं ब्रेकअप देख रहा हूँ वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है, आप भी जाके देख सकते हो। तो मुद्दे की बात दोस्तों यहाँ पर है कि क्योंकि एक प्रभास अपने आप में ब्रांड हैं, बहुत बड़े स्टार हैं और उनकी कोई भी मूवी आती है तो लोग बस झपट पड़ते हैं। इस तरीके की जो मूवीज़ होती हैं उसका जो रिजल्ट होता है वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। वो एक बेल कर्व की तरह होता है, फटाक से लोग जाते तो हैं देखने के लिए, वर्ड ऑफ माउथ अगर अच्छा होता तो वो फर्दर आगे चले जाती है। जैसे बजरंगी भाईजान के लिए हुआ कि सलमान खान के फैंस गए और उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ हुआ तो और लोग भी चले गए और वो रॉकेट बन गया और 300 करोड़ बन गया। इस तरीके की मूवी ऐसे जा रही है, सीधा गिरना शुरू हो जाती है। तो जो फैंस लोग हैं उसने तो देख लिया अब, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ इतना अच्छा नहीं है, ये नीचे जाएगा। और ऊपर से जैसे मैंने बोला था कश्मीर फाइल्स फर्स्ट चॉइस रहेगी लोगों की, तो वो लोग पहले देखेंगे। तो इसका थोड़ा सा जो बिजनेस है वो मुझे नहीं लगता सेकेंड वीकेंड आते आते बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो गुड न्यूज़ हो जाती है दोस्तों अब बच्चन पांडे के लिए, अगर हम पूरा बिजनेस ढंग से समझने की कोशिश करें तो बच्चन पांडे नाउ हैज द अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली डू 20-25 करोड़ रुपीज। क्योंकि जो लोग मसाला मूवीज देखना पसंद करते वो मेरे ख्याल से अगर इसके स्क्रीन के ऊपर टूट पड़े और सब लोग अब बड़े पर्दे पे ही जाके मूवी कंज्यूम करना चाहते हैं, कॉन्टेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, तो 20-25 करोड़ रुपीज का बिजनेस फर्स्ट डे बहुत आराम से हो सकता है बच्चन पांडे का। डिपेंड कि अब ये एक हफ्ता किस तरीके के प्रमोशन करते हैं,
आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं ये बोलूंगा कि क्योंकि बहुत ही सीरियस कंटेंट आया है और ये कंटेंट को हम इस तरीके से कंज्यूम कर रहे हैं कि ये रिफॉर्म लेके आएगा, मैं फिर से द कश्मीर फाइल्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो वो एक पहले थोड़ा सा लोग देख लें, दो चार दिन देख लें, कंज्यूम कर लें, एक दूसरे से बात कर लें, थोड़ा सा मन हल्का हो जाए, उसके बाद आई थिंक बच्चन पांडे को अपनी प्रमोशन शुरू करनी चाहिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट ओनली। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर करना। मैं जल्दी मिलूंगा आपसे एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।